कुर्बान में भी जाना नहीं बोलते। काफी युवा ढोल बजाकर आ रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कि ढोल बंद रखो, आप ऐसे अंदर आ जाओ। उन लोग 5 साल के लिए आपने उनको चुनकर भेजा। देना के युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे ये जरूर पूछिए कि आप तो आजाद प्रत्याशी थे, आप ना कांग्रेस के थे ना बीजेपी के थे, फिर आपको ऐसी क्या आंख पड़ी कि आप ने आजाद विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम समर्थन कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी हमारा काम नहीं कर रही थी, ये उन्होंने झूठ बोला। उन्हें 2 करोड़ रुपया एमएलए फंड का मिलता है, 15 लाख रुपया उनको, किसी को कोई व्यक्ति बीमार हो जाए या कोई खेत देवे हो उसके लिए जो पैसा देते हैं वो सरकार की तरफ से उपलब्ध होता है वो उनको मिलता था। लेकिन मेरा ये रहेगा कि आप नारे बंद करें, नारे बंद करें। नारे मेरा मानना है कि बंद करें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बहुत जोश है युवाओं में, देरा की जनता में, मैं आपके जोश का आदर करता हूं, लेकिन थोड़ा भाषण में व्यवधान ना पड़े इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 10-15 मिनट आप पूरी बात सुन लें। ये बात मैं उनसे पूछनी चाहिए कि 2 करोड़ रुपए आपको मिलता है और 15 लाख रुपए आपको डिस्क्रिशनरी अमाउंट का मिलता है, और वो जो महिला मंडल होते हैं उनको बांटते हैं वो सरकार का पैसा होता है, युवा मंडल होते हैं उनको बांटते हैं, कोई बीमार होता है उसको बांटता है, सभी विधायकों को मिलता है। अगर कांग्रेस पार्टी उनका काम नहीं कर रही थी तो उन्हें कांग्रेस पार्टी को समर्थन ना देके बीजेपी को समर्थन देना चाहिए था, उन्हें किसने रोका? अगर वो भारतीय जनता पार्टी को आजाद प्रत्याशी के रूप में भी एसोसिएट मेंबर बनकर बैठ जाते तो भी देहरा में द्वारा से उपचुनाव ना होता, वो तो आजाद थे, उन पर तो किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लगता था। और विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार उनसे पत्र लिखकर पूछा, आप हमें बताइए कि आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं। उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए देरा के इस प्रत्याशी से जो भीगा हुआ प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, कि आप 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए, 1 महीना तक वो आप लोगों की सरकार को गिराने की कोशिश करते रहे, जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वो हिमाचल की सीमा के अंदर आए। कितना पैसा उन्होंने हेलीकॉप्टर पाई है और होटलों में ठहरने पर खर्च कर दिया, कोई हिसाब उसका नहीं है। और जब आए तो अध्यक्ष महोदय ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने बताइए कि आप अपने इस्तीफे का कारण बताइए, कारण बताते बताने की जगह वो कह रहे कि हमारा इस्तीफा जल्दी जल्दी स्वीकार कीजिए। अब कौन ऐसा व्यक्ति बोलता है कि जल्दी जल्दी स्वीकार कीजिए, जो
हमने पता किया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे थे कि दूसरी जो किस्त मिलनी थी वो उनके इस्तीफा स्वीकार करने के बाद मिली थी। ऐसे तो आजाद प्रत्याशी कभी इस्तीफा नहीं देता, ऐसे क्यों देगा वो इस्तीफा? क्या कारण है? अगर गलती से वो, अगर आप सोच लो कि वो द्वारा चुनकर जाते हैं तो भी तो वो विपक्ष में बैठेंगे, इस्तीफा ना देते तो भी विपक्ष में बैठते। तो उन्होंने तुम आप लोगों को धोखा दिया है, देरा की जनता को इस क्षेत्र के प्रत्याशी ने धोखा दिया है, उसने आपकी भावनाओं को बेचा है, वो राजनीतिक मंडी में बिके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, अपने इस्तीफे के लिए विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। क्या देरा की जनता की समस्याओं के लिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कभी धरने में बैठे? कभी नहीं बैठे। अपने इस्तीफे के लिए कोर्ट में चले गए कि हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। क्या देरा की समस्याओं के लिए, जहां उनका देरा की जनता का हित नहीं हो रहा था, उसके लिए कोई आवाज उठाई? नहीं उठाई। अपने राजनीतिक फायदे के लिए और इस लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए उन्होंने आपकी विधायकी को बेचा है। और ऐसे व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप दोबारा से 3.5 साल के लिए जो चुनाव हो रहा है उसमें दोबारा विधायकी का वोट मांगने क्यों आ रहे हैं, जबकि आपके पास तो विधायकी थी, आपकी विधायकी को किसी ने छीना नहीं था। ये पूछा जाना चाहिए देरा की जनता को, और देरा की ही जनता को पूछना चाहिए। हिमाचल की जनता ने पिछले जो उपचुनाव हुए उसमें जवाब दे दिया है, 6 में से 4 सीटें हमें दोबारा चुनकर भेजी है, और ये जो 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं ये ऐसे उपचुनाव है जिसको इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इतिहास के पन्ने पलटकर जब देखा जाएगा तो ये आजादी के बाद के 3 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपनी विधायकी को बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी का कमल खींच कर आज आपके पास आए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ईमानदार कार्यकर्ता है उन्हें यह रास नहीं आया, क्योंकि जिस कमल को खिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना एक किया, वो कमल वो व्यक्ति खरीदे जिसने पिछली बार या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हराया हो। तो ये जो पैसे की राजनीति का शुभारंभ देरा में हुआ है, और जो कहते हैं कि 1 महीने में मैं 15 करोड़ रुपया खर्च करता हूं, अगर आप 1 महीने में 15 करोड़ रुपया खर्च करते तो देरा का विकास, अगर आप इतने बड़े दानवीर होते तो देरा का जो विकास आपने रोक रखा है, देरा जिसका के बारे में कहा जाता कि कोई नहीं देरा, वो पिछड़ नहीं रहे, पिछड़ता नहीं, आज देरा हमारा है। तीन साल के अंदर देरा के विकास में कोई कमी नहीं लाने दी जाएगी। कई प्रकार की समस्याओं का देरा के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मैंने पिछले कल अपने कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती कमलेश ठाकुर जिसे पूछा, कहता है यहाँ पानी की समस्या है, छोटे छोटे रोडों की समस्या है, पॉम डैम ऑर्सिस की समस्या है, पॉम डैम के लोग पक्के घर बनाकर रह रहे हैं,
उनकी जमीनें चली गई, ऑस्टिज है, लेकिन आज तक उनके नाम पर जमीन नहीं है। मकान बन चुके हैं, उन्हें हमेशा ये डर सताता होगा कि कब सरकार का डंडा आएगा और हमें वो मकान खाली करने पड़ेंगे। अभी आचार संहिता लगी है, हिमाचल प्रदेश सरकार किसी का घर खाली नहीं करवाती, बल्कि उन्हें घर बनाने के लिए तिगनी राशि देती है। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा को हम लोगों ने झेला, केंद्र सरकार से आज तक एक भी पैसे की राहत नहीं मिली। आपदा के बाद जो क्षतिग्रस्त सड़कें थी, पानी की योजनाएं थी, 22,000 घर टूट गए, 22,000 परिवार बेघर हो गए। हमने उसको लड़ाई को चुनौती की तरह लिया और हमने वो सारी सुविधाएं अपने उन 22,000 परिवारों को मुहैया करवाई जो ये सोच भी नहीं सकते थे कि बड़ी मेहनत से जिसका घर लाखों रुपए में बनता था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिलता था। मैंने उन परिवारों को बसाने के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया और 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपया घर बनाया। इसी तरह मैं फोन डैम और चीज को भी कहना चाहता हूं, देरा की जनता के लिए पोम डैम और ऑस्टिज के लिए अगर मुझे कानून भी बदलना पड़े तो मैं उन पोम डैम विश्वासियों के लिए कानून बदल दूंगा जिनकी 50 साल पहले पोम डैम के लिए जमीन चलेगी वो सड़कों पर आ गए। अभी मैं किसी योजना की घोषणा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आज आचार संहिता लगी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हमें उनके घर बसाने के लिए अगर कहीं कानून बदलने की जरूरत होगी तो हम नियमों के अनुसार उन कानूनों को बदलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसकी देन है? ये हमारी देन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10 साल से कोई काम नहीं चल रहा था, मैंने मार्च में इस काम की शुरुआत करवाई, कहा कि शिलान्यास करना है। पता लगा कि 10 साल पहले इसका शिलान्यास हो चुका है। मैंने कहा शिलान्यास नहीं, आप काम शुरू करिए। मैं शिक्षा, मेरे उस समय के प्रेस कटिंग देख लेना, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला, कहा कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं हो रही। मैंने तुरंत प्रभाव से जितने भी फॉरेस्ट क्लियरेंस थी देहरा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाई और देहरा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी मंडी दी है उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरे हिंदुस्तान में आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया। ये 2010 की बात है, 9-10 की बात है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम 14 साल शुरू नहीं हो सका, हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसकी शुरुआत करवाई। देहरा की संपूर्ण भूमि को मैं जानता था, 600 करोड़ रुपया इंटरनेशनल जू के लिए हम देहरा में खर्च कर रहे हैं। 4 महीने पहले मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूं। आप देखेंगे देहरा क्षेत्र के इर्द गिर्द के 2,000 लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे और 600 करोड़ का मतलब है सफारी चलेगी, सब प्रकार के यहाँ जानवर होंगे, होटल बनेंगे, बड़े बड़े होटल बनेंगे, बड़े बड़े फूड प्लाजा बनेंगे, बड़ी बड़ी पार्किंग बनेगी। 3-4 साल में इसका स्वरूप धरातल पर आपको दिखेगा। आज सभी युवा साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जिस संस्कृति और जिस लोकतंत्र को खींचने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है उसे सबक सिखाने का वक्त है।
और ये कोई और सबक नहीं सिखा सकता। ये युवा और जिस क्षेत्र में ये चुनाव होने जा रहे हैं वहां की जनता सिखा सकती है। आपके पास कोई सबसे बड़ा अधिकार कुछ दिया है आजादी के बाद, तो ये वोट का अधिकार आपको दिया है। ये वोट की ही ताकत है कि आज इतनी गर्मी में जहां उमस इतनी ज्यादा है, मैं भी पसीने से गीला हो रहा हूं, मैं आपके बीच में आया हूं। ये लोकतंत्र की ताकत है और लोकतंत्र में भी ये वोट की ताकत है। हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद होता है, आजाद भारत के सूर्य की पहली किरण जब इस देश की धरती पर पड़ती है, उस समय आजादी के जो नेता इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने कोई सबसे बड़ी मांग यहां कोई रखी थी, वो वोट देने के मांग रखी थी। इस वोट के दम से आप सरकार बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, और जब कोई आपका वोट लेकर विधायक बनता है, ना देरा की जनता उससे इस्तीफा मांगती है, ना अध्यक्ष महोदय स्पीकर महोदय विधानसभा के उससे इस्तीफा मांगते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे इस्तीफा मांगते हैं, कोई भी इन तीनों हजार विधायकों से इस्तीफा मांगता है। लेकिन फिर भी यह इस्तीफा देकर लोकतंत्र को जो बेचने की कोशिश करते हैं, ऐसे तीनों को सबक सिखाने का वक्त 10 जुलाई को है। जो 6 उपचुनाव हुए उसमें तो कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी से गद्दारी की थी, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन किया था। इन 3 विधायकों से तो ना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ना पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इस्तीफा मांगा, ना ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 3000 विधायक इस्तीफा दे दो, ना ही स्पीकर महोदय ने कहा कि तुम्हारे 3 का इस्तीफा लेते हैं। स्पीकर महोदय ने तो एक कदम आगे बढ़कर हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी ने कहा कि भैया तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो, कांग्रेस नहीं काम करती है तो आप बीजेपी के साथ चले जाओ। लेकिन इसके पीछे का असली रहस्य क्या है, असली रहस्य क्या है आप बता सकते हैं? असली रहस्य क्या है? कौन से जोर से बोलिए, सारे हाथ खड़ा करके बोलिए। हाँ, इसका असली रहस्य क्या है? वो जो सामान से भरा अटैची है ना, पता नहीं VIP था ना कि कुत्ते था, वो है। फिर देखिए, ये छोड़िए, फिर देखिए, कहा कि अब हम बीजेपी का कमल खरीदना है। अरे बेचारे भारतीय जनता पार्टी के इतने अच्छे कार्यकर्ता है, पहली बार उन्होंने 1998 में खून पसीने के बाद अपनी सरकार बनाई, उस कमल को खरीदा है। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता भी इनको सबक सिखाएंगे और देरा की जनता भी इनको सबक सिखाना चाहिए। ये खरीदे हुए कमल को आपने 10 जुलाई को सबक सिखाना है। चुनौती तो 2027 में हमारी भारतीय जनता पार्टी के सामने होगी। 5 साल हमारे काम होंगे, पारदर्शी शासन होगा, हिमाचल की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का ध्येय है। 2032 तक हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं, विधायक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। याद रखना, 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। हमारी सरकार ने उसके लिए पहले बजट के बाद से नीतियां तय कर दी है। हम हिमाचल प्रदेश में को हरित राज्य के रूप में विकसित करना चाहते हैं, सोलर राज्य के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इस सब दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज इस युवा सम्मेलन में
आप युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि आपने 10 जुलाई को अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना है। आपके लिए 22,000 रोजगार हमने 14 महीने में निकाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में सिर्फ 20,000 लोगों को रोजगार दिया है। हमने 14 महीने में 22,000 रोजगार निकाले। मैं बताना चाहूंगा आईपीएच में 13 में भी अभी मल्टीपर्पज वर्कर के इंटरव्यू होने हैं, फीटर के इंटरव्यू होने हैं, इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू होने हैं, चौकीदार के इंटरव्यू होने हैं, वन मित्र के इंटरव्यू होने हैं, कांस्टेबल 1231 है उसके इंटरव्यू होने हैं, 6,500 जेवीटी लेक्चरर्स के हमने बैच वाइज नियुक्तियां कर दी है, 600 डॉक्टरों की नियुक्तियां होनी है, 600 नर्सों की नियुक्तियां होनी है, 950 पटवारी की भर्तियां होनी है। कितने रोजगार के अवसर हमने निकाले हैं जिसके कईयों के इंटरव्यू चल रहे हैं और कईयों के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। ये सिर्फ 1.5 साल में निकाले हैं। आने वाले समय में हम युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा करेंगे, लेकिन इस समय देरा के युवाओं के पास एक चुनौती है। ये कुछ आम चुनाव नहीं है, ये हमारी सरकार को बचाने के लिए चुनाव नहीं है। हमारी सरकार के 34 से हिमाचल की जनता ने 38 कर दिए। हम 3.5 साल और सरकार ईमानदारी से चलाएंगे। ये चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच होने जा रहा है। दागदार और बेदाग के बीच में होने जा रहा है, झूठ और सच के बीच में आने जा रहा है। झूठ कई बार सच से टकराता है, झूठ का कई बार सामना सच से होता है, लेकिन अंत में जीत सच की होती है। इस क्षेत्र के विधायक ने आपके साथ बार बार झूठ बोला, समस्याओं का पार लगा है, समस्याओं का समाधान नहीं किया। आप 3 साल के लिए कमलेश ठाकुर को जिताकर भेजिए, डेरा की समस्याओं का 3 साल में निदान कर दिया जाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो आप क्या जिताकर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, सारे दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सब लोग 10 जुलाई को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालिए। विपक्ष में बैठने के लिए आप वोट नहीं है, ओपोजिशन में बैठने के लिए आप वोट मत डालिए। और ऐसे विधायक और सबक सिखाना है जिसने आपके बोर्ड से आजाद प्रत्याशी के रूप में विधायकी छीनी ली और उसको आपके बोर्ड को धोखा देकर 1.5 साल में ही आपने विधायकी को छोड़ दिया। तो ऐसे को सबक सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो साथी भाजपा छोड़ के कांग्रेस का दामन छामने जा रहे हैं, मैं उनके नाम लूंगा।